नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। देश में बेलगाम होती जा रही महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आपके कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दिन पर दिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं महंगाई चरम पर है। लगातार बेलगाम होती जा रही महंगाई की वजह से रसोई से लेकर पूरे घर तक का बजट बिगड़ गया है। महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन केंद्र की तानाशाही सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो देश के भगोड़े लोग देश की रकम लेकर भाग गए हैं, प्रधानमंत्री को वह रकम वापस लाकर जीएसटी जैसा कर जो लगाया गया है उसे तत्काल वापस लेना चाहिए। जीबीएन 24 न्यूज के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। क्या मामला है आज, किस बात को लेकर के प्रदर्शन था? देखिये, जिस तरीके से देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ी हुई है और कोरोना काल से के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों का जो मध्यम वर्ग था वो निम्न वर्ग पे आ, मतलब जो आगे 8 से 10 हज़ार 25 हज़ार को हुआ करता, 25-30 को हुआ करता था, और जो निम्न वर्ग है वो बताला 1-2 हज़ार पे सीमित हो गया। आज सिलेंडर के रेट क्या हैं बताइए आप लोगों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर का सिलेंडर बांटे गए और सिलेंडर बांटने के बाद पता लगा गैस जो है 1100 रुपये के लगभग आजकल गैस मिल रही है। खाने की दाल जो है बताला 200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो तेल मिल रहा है, और जिस तरीके से जीएसटी के दायरे में ला के दूध और आटे को दायरे में ला के जो है उन्होंने जिस तरीके से भाव बढ़ा दिए हैं, आज बढ़ गए हैं। आज हमारे बहुत से लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है, रोजगार लोगों छीने जा चुके। किसानों की इनकम क्या है पता ही कि 1000-2000 रुपये में सीमित बेचारों, महीनों में 1000-2000 मिल रहा है, और किस तरीके से दुगनी इनकम करने का जो उन्होंने वायदा किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और दुगनी इनकम तो छोड़ दीजिए गांव वालों को, अब किस तरीके से उनको और बिजली किस तरीके से उनके बिल आए हैं जिस तरीके से, तो ये इतनी महंगाई है, इस महंगाई में आम लोगों का जीवन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए हम लोग मोदी जी से बार बार जो है धरना प्रदर्शन करके, दूसरा धरना प्रदर्शन है हम लोगों का, ये हम लोग मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि इन दामों को जीएसटी दायरे से हटाइए, और जो आपके मित्र जो हैं जो पैसा लेके यहाँ से पता लगा 11 लाख करोड़ जो रुपया लेके भागे हुए हैं, और उनसे पैसा लाइए और जीएसटी का दाम तत्काल हटाइए और ये लोगों में सस्ता हो जिससे लोगों का जीवन जो है चल पाए।